अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह बनाएंगे देख लेंगे। सबसे पहले हमें 5 से 6 टमाटर इस तरह के रख लेना है और हम एक टमाटर को 2 पीसों में कट कर लेंगे इस तरह से, बड़े बड़े पीसों में देखिए। और एक पैन रख लेंगे, उसमें हम सारे टमाटर को इस तरह कट करके जमा देंगे उल्टे करके। और इसके ऊपर मैंने 1 स्पून तेल डाल रही हूँ ताकि टमाटर का छिलका बहुत आसानी से निकल जाए और अच्छे से गल जाए हमारे टमाटर, इसलिए बहुत आसानी से ये चटनी बनके तैयार होगी फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा स्पून लेकर इसमें 1 स्पून जीरा और 1 स्पून मेथी और 1 स्पून राई है। ये मैंने गैस की फ्लेम में रख के इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है और मैं उसे अच्छे से एक मिक्सी की जार में डालकर पीस लूँगी, पाउडर तैयार कर लूँगी। और दूसरी तरफ देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुका है, इसका सारा छिलका हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से छिलका निकल चुका है हमारे टमाटरों का। और 1 स्पून की मदद से हमें इसे अच्छे से इस तरह मैश कर लेना है। देखिए कितना आसान है ना, और बहुत आसानी से और बहुत जल्द से जल्द हमारी ये चटनी तैयार होगी। आप भी आपके घरों में एक बार इस तरह बनाकर देखिए फ्रेंड्स। देखिए अच्छे से इस तरह कर लेंगे हम। और एक पैन रख लेंगे, उसमें मैंने डाला है 3 स्पून तक का तेल। 3 स्पून तक का तेल डाल के उसमें मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियां डाला है और एक सूखी मिर्च, और जो मसाला हम तैयार करे थे वो 1 स्पून भर के डाला है मैंने, और थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ी हल्दी पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक ले लिया है मैंने। अब टमाटर को डाल दिया है, डालकर थोड़ी देर हमें इसे पका लेंगे। और इसमें मीठा स्वाद देने के लिए 1 स्पून तक का गुड़ है ये। आप गुड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, शक्कर का इस्तेमाल कीजिए। और आधी कटोरी इमली का रस है ये, खट्टापन आने के लिए। देखिए अब हमारी टमाटर की चटनी बनके तैयार हो गई। 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और देखिए तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।